हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो। आज हम बनाने वाले होममेड अचार। सो गाइस, हम बनाने वाले हैं लहसुन मिर्च और अदरक का अचार। तो लहसुन मिर्च अदरक का अचार बनाने के लिए हमने लहसुन को छील लिया है इतना, और ये हरी मिर्च है और ये अदरक है। ये हमने सरसों ले लिए, ये सरसों की राई है जिसको हमने भून लिया है। ये है सौंफ, जीरा, मेथी और ये है अजवाइन। अब इसको हम चौकी में डालेंगे राई को। और इसको पीसेंगे बेलन की सहायता से। देख सकते हैं राई अच्छी तरह से पिस गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब डालेंगे मेथी, देख सकते हैं मेथी भी पिस गई। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को भी हम पीस लेंगे। अब जीरा को भी हम निकाल लेंगे। अब पीसेंगे सौंफ। अब सौंफ को भी हम निकाल लेंगे। हमने एक प्लेट में मसाला निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये हमने इतना नमक डाला है। अब इसमें डालेंगे हींग। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे ये सरसों का ऑयल जिसको हमने गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। अब डालेंगे अदरक, और अब डालेंगे मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं
ये हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। इसमें हमने अमचूर पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमें खट्टाई खाना मना है, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और इसको हम एक कांच की वरनी में इसको रख देंगे 2-3 दिन के लिए, जब तक ये गल जाएगा मसाले में और थोड़ा सा अचार सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे लाल बटन दिया होगा इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।